तो आज से हम शेयरिंग सेशन शुरू कर रहे हैं। इसमें आज सबसे पहली शेयरिंग प्रियदर्शनी दीदी से है। मैं दीदी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन रख देती हूँ। हम सभी प्रियदर्शनी दीदी से बहुत परिचित हैं, पर फिर भी दीदी ने काम किया है एज प्रोफेसर इन ईसी डिपार्टमेंट फॉर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। और दीदी लुधियाना पंजाब से हैं। दीदी ने मॉर्निंग सेशन की शुरुआत जनवरी 21 से की थी। और दीदी अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन, मॉर्निंग सेशन की मॉडरेशन, कंटेंट शेयरिंग सेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, और काफ़ी सारी बैकग्राउंड भागीदारी में करते रहते हैं। तो दीदी आपका स्वागत है अपनी शेयरिंग रखने के लिए। ओवर टू यू दीदी। जी धन्यवाद निधि दीदी। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? बिल्कुल अच्छे से आ रही है दीदी। जी धन्यवाद दीदी। मैं अपना परिचय एक बार फिर से रख देती हूँ। मेरा नाम प्रियदर्शनी है। मेरे इमीडिएट परिवार में मेरे हस्बैंड है, मेरे माता पिताजी, मेरे फादर इन लॉ और मेरे भाई भाभी हैं। इसके अलावा मेरे पड़ोसी यूएचबी परिवार के सभी सदस्य हैं, कई सारे दोस्त जिनके साथ मेरा रेगुलर इंटरेक्शन होता रहता है। अभी मैं लुधियाना में, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, हम तीन लोग रह रहे हैं। मेरे ससुराल गांव गुरदासपुर और मायका पटियाला में है, तो एक महीने में मेरे 4-5 दिन मायके में, 4-5 दिन ससुराल गांव में, और कुछ दिन मैं यहाँ पे रहती हूँ। इस तरह ट्रैवलिंग रहता है। और एक वर्कशॉप मोस्टली मैं लेती हूँ फेस टू फेस में। तो मैं 3 साल से तो कोई रेगुलर जॉब नहीं कर रही, पर मैंने पिछले 2 महीने, अभी हमारे घर के पास ही एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कॉलेज है, वहाँ से कॉल आया था, तो मैंने 2 महीने वहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज का ही कंटेंट शेयर किया था। तो इससे पहले 19 साल तकरीबन मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में एचओडी और प्रोफेसर के पद पर काम किया है। मेरी सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी की शुरुआत अगर कहूँ तो कम तकरीबन 15 साल पहले, जब मेरी शादी को 2-3 साल हुए थे, और बहुत सारी फीमेल्स की तरह नए परिवार में एडजस्ट होना और हमारी कॉम्पिटेंस का कम पड़ना, तो जब ऐसा शुरू हुआ तो मैंने सुख को ढूंढना शुरू किया। और मैं आस्था चैनल को सुनना, ऐसे तो आस्था चैनल को सुनते ही मैंने सिस्टर शिवानी को जब सुनना शुरू किया था, तब मेरा मेरे विचारों पर काम शुरू हुआ था। और फिर मैं वहीं पे भागीदारी भी ब्रह्मा कुमारीज के थ्रू सैटरडे संडे स्कूल के बच्चों की क्लास लेना, अपने खाली समय में छोटे बच्चों को वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट शेयर करना, ऐसे मेरी भागीदारी शुरू हुई थी। तो यूएचबी का पहला वर्कशॉप मैंने 2016 में 8 दिन का किया था। और अभी जनवरी 21 से, थर्ड बैच से मैं मॉर्निंग सेशन से जुड़ी हुई हूँ। और धीरे धीरे मैं अपनी, बहुत ही धीरे अपनी इम्प्रूवमेंट को देख रही हूँ। ये मेरी मॉर्निंग सेशन में 6th शेयरिंग है। शेयरिंग शुरू करने से पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि मैं अपनी शेयरिंग जब भी करती हूँ तो मैं उस डॉक्यूमेंट को सेव रखती हूँ। तो मैं ऐसा मैंने नोटिस किया कि मैं हर शेयरिंग में जब देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि पिछली शेयरिंग में मैंने अपना इवैल्यूएशन लीनियंट किया था और मैंने कहा कि मैंने ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ऐसा मुझे दिखा। पर वो नेक्स्ट 5-6 महीने के बाद देखती हूँ तो उसमें वो संस्कार दोबारा से आ ही रहे हैं, वो पूरे रिजॉल्व नहीं हुए होते। और इस करके अभी जो भी बोलने वाली हूँ तो मेरी अभी की कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो कुछ बातें होंगी जो मे बी वो लॉजिकल या संस्कार लेवल पर कर रही होंगी और कुछ दृष्टा। तो अभी मैं अपनी शेयरिंग को शुरू करूँ तो अभ्यास एक की बात करती हूँ। अभ्यास एक जब मैंने शुरू किया था तीसरे बैच से, तो ना तो मुझे भाव दिखते थे ना विचार दिखते थे, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस विचारों को क्रिएट करने की थी, पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करना। तो खाली समय में मैं ऐसे पॉजिटिव विचारों को क्रिएट करती रहती थी, और विचारों में बहना ही मेरी मेडिटेशन थी। इसलिए विचारों में बहना तो मुझे बहुत अच्छे से आता था, पर विचारों को देखना मुझे नहीं आता था कि सीधे सीधे कैसे देखना है। विचार तो मैं क्रिएट कर रही हूँ,
तो फिर धीरे धीरे बैच बाय बैच जैसे जैसे सुनती गई तो मुझे विचार डायरेक्ट देखने लगी थोड़े थोड़े, और विचारों के पीछे फिर एक दो बैचेस के बाद थोड़ा भाव भी दिखने लगा, और अभी भाव के पीछे के संस्कार और कभी कभी दृष्टापथ पर होकर भी कुछ कुछ देखने लगी हूँ। तो अगर मैं अपनी अवेयरनेस की बात करूँ तो एवरेज मेरी पूरे दिन में अवेयरनेस 30-40% मैं अवेयर होती हूँ, बाकी समय तो बेहोशी में ही चल रहा होता है। और उस 30-40% में से 5 या 10% शायद मैं दृष्टा लेवल पर इवैल्यूएट करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है अपने लिए। स्टेप 2 और 3 में अगर देखूँ तो जब भी भाव सहज स्वीकृत है तो मैं आराम में, और अन्यथा परेशान हूँ, दोनों ही बार ध्यान जाता है। जब बाहर की परिस्थिति अनुकूल होती है, जैसे मैं मंदिर, गुरुद्वारा, ब्रह्म कुमारी सेंटर, यहाँ बैठने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए जाती हूँ, तो मुझे लगता है मैं यहाँ बैठूँ तो मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँ। बाहर शांति है, कोई शोर शराबा नहीं है, मेरे विचार भी स्थिर हो जाते हैं, मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। तो फिर मेरे को लगता है कि मैं ऐसे प्रभाव को ढूंढती हूँ, ऐसी परिस्थितियों को ढूंढती हूँ, तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी ध्यान जाता है। जब मैं परेशान होती हूँ तो ऑब्जर्वेशन में कई बार उलझ जाती हूँ, और क्योंकि शुद्ध दृष्टा से देखना अभी नहीं हो रहा तो पूरा एनालिसिस एनालिसिस करने लगती हूँ, उलझ जाती हूँ। तो फिर मैं सोचती हूँ मैं तो और परेशान हो रही हूँ, तो मैं ऑब्जर्वेशन को फिर निर्णय से ही रोक देती हूँ क्योंकि मुझे देखना तो नहीं आ रहा। तो फिर मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि मैं अभी वो टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन करना, वो ही विचारों में बहना या कोई मंत्र जाप करना, तो यही करती हूँ क्योंकि मेरा आराम में आना अभी इस मोमेंट पर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे मैं अभ्यास करती रहती हूँ। जैसे अभी पिछले कुछ महीनों से मेरे फादर इन लॉ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो हॉस्पिटल में पूरा पूरा दिन वेटिंग रूम में बैठना होता था उनके डिस्चार्ज होने के बाद। तो मैं फिर वो पूरा दिन को इसी में ऑब्जर्वेशन में ही यूज करती थी, है ना। कभी तो मैं वो डिजिटल मीटर को ले जाना, कि जब भी मेरा ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट नहीं हो पाता था तो मैं वो डिजिटल मीटर से मंत्र जाप करना, कि मैं मीटर को तभी इंक्रीज करूंगी जब मैं पूरी अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट में होकर करूंगी। तो ऐसे मैं पूरा पूरा दिन ये चलता रहता था कि कभी कोई मेथड से करना, कभी तो वो पूरे दिन को मैं इस तरह ऑब्जर्वेशन में यूज करती रही। तो मार्च में जब मैंने शेयरिंग की थी तो मैंने ये शेयर किया कि जब भी मैं इवैल्यूएशन करती हूँ अपना, और मुझे लगता है कि मैंने तो इतना सारा टाइम लगा दिया पर इम्प्रूवमेंट तो बहुत सारा हुआ नहीं है, तो मैं गिल्ट में जाती थी। तो मैंने देखा कि अभी ये 6-7 महीने में ऐसा नहीं कि मेरी इम्प्रूवमेंट बहुत हुई, पर मैं अपने संस्कारों को देखकर अभी वो गिल्ट में जाना मेरा कम हुआ है, और मैं ये देख रही हूँ कि ये लंबा काम है और ये प्रक्रिया का पार्ट है। बस अब अपनी वैल्यूएशन से इतना परेशान नहीं होती, और सीधा सीधा भाव का तो कई बार नहीं कर पाती वैल्यूएशन, बल्कि शरीर की स्थिति से ही ज्यादा करती हूँ, है ना। जैसे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, मैं साथ में बैठी हूँ, तो मैं बहुत बार कोई भी ऐसे व्हीकल को आते देखकर एकदम से इनकी साइड हो जाती हूँ, शरीर को उस साइड ले जाती हूँ। तो मुझे दिखता है कि कैसे मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है ना, कैसे मेरे में डर हो रहा है शरीर छूटने का, या ये मैं शरीर से इवैल्यूएट ज्यादा करती हूँ, पर इमीडिएटली वो पीछे जाकर देख पाती हूँ कि यह भाव डर का था, उसी मोमेंट पर कई बार नहीं होता। और लोगों की रूडनेस से भी मैं प्रभावित होती हूँ, है ना। जब भाव सहज नहीं होता तो, पर फिर भी अगर उसी व्यक्ति के साथ अगर लगातार मैं मेरा जीना होता है तो मैं उनको स्वीकारने लगती हूँ धीरे धीरे। तो किसी को स्वीकारने में कितना टाइम लग रहा है वो मेरी उनके बारे में मान्यता पर निर्भर कर रहा है। तो जितना भी मेरा प्रतिकूल परिस्थिति में जीना हुआ और जीना हो रहा है, मैं अपना भाव बिगड़ा हुआ देखती हूँ तो मुझे दिखता है कि ये कंटेंट शेयर करते वक्त ये कह देना कि सहज स्वीकृति को देखो ना, ये बहुत आसान है, पर प्रैक्टिकली अपने संस्कारों पर परिमार्जित करना एक लंबा काम है। और ये भी दिखता है कि प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होती है, बल्कि ये मेरी खुद की योग्यता कम होती है, और मैं कहती हूँ ये परिस्थिति प्रतिकूल हुई।
मतलब जहां पे भी मुझे लगता है, जहां पे भी मैं ये शब्द यूज करती हूँ कि अभी मेरी परिस्थिति जो है वो प्रतिकूल है, एक्चुअली तो वो मेरी योग्यता कम है, ऐसा होता है। स्टेप फोर में देखो तो अपने सुख दुख के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ये इंफॉर्मेशन रूप में तो कितने साल पहले आ गया, कम कम से कम 15 साल पहले। पर अगर जीने में देखूं तो मेरे सुख में की पूरी डिपेंडेंसी मेरे ऊपर नहीं है, बल्कि मैं अपने हस्बैंड को नॉर्मली ये कह देती हूँ भाई आप अपसेट होंगे तो मैं तो अपसेट होंगी, ऐसा मोस्टली मैं कह ही देती हूँ। तो इसका मतलब सुख, मेरा सुख मेरा स्वभाव ऐसा तो नहीं दिखता है। तो एक बार अभी एक इंसिडेंट से शेयर करती हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले का इंसिडेंस है कि हम मंदिर में जा रहे थे और उससे थोड़ी देर पहले 3-4 किलोमीटर पहले पेट्रोल भरवाया, तो मंदिर में पहुंचने पे देखा कि वो स्लिप को देखा तो वो पेट्रोल की स्लिप नहीं थी, वो डीजल की स्लिप थी, और हमारी अभी हमने गाड़ी पुरानी होने के कारण चेंज की और वो पेट्रोल की गाड़ी है और उस पे लिखा है कि इसमें इतने लीटर डीजल भर गया। और मंदिर में हम एंटर हो रहे हैं, कुछ थोड़ा हमने वहाँ पे छोटा सा कुछ किया भी था अंदर में, हमारी वेट भी हो रही है और मेरे हस्बैंड बहुत परेशान हो गए कि अब तो बहुत प्रॉब्लम होगी, हमारी जो पेट्रोल वाली कार है उसमें तो डीजल भर गया है, और ये बहुत परेशान थे। उस टाइम मेरे विचारों में ये चल रहा था कोई बात नहीं है ना, गाड़ी है ना, थोड़ी देर में ये रिजॉल्व हो जाएगा इशू, पर ये जो मतलब ये परेशान हो रहे हैं, फिर बॉडी को कितना सारा डिसहार्मनी हो रही है, तो उससे ये कम ही है, ये गाड़ी उससे काफी कम ही है, जो सेल्फ है वो अमूल्य है, जो शरीर है वो अमूल्य है, तो ये क्यों परेशान हो रहे हैं। पर उस टाइम मैं इनको बोल नहीं पा रही थी, पर इनकी परेशानी से मैं परेशान तो हो ही रही थी। फिर जब थोड़ी देर में ये मैटर सॉल्व हुआ कि वो एक्चुअली स्लिप ही डीजल की थी पर उसमें भरा पेट्रोल ही था, ये चीज 15-20 मिनट के बाद क्लियर हुई वहां पे कॉल्स करके, और ये शांत हुए तो ही मैं शांत हुई, तभी मैं आराम में आई। पर फिर जब ये आराम में हुए तो मैंने ये बात शेयर की कि गाड़ी तो है ना, फिजिकल फैसिलिटी तो है, हम इसके बिना भी चला लेते, पर ये जो आपका परेशान होना था वो ठीक नहीं था। वो मैंने इनके आराम में आने के बाद शेयर किया तो इनको भी ये बात तो ठीक ही लगी, पर उस टाइम मैं परेशान हो जाती हूँ। तो स्टेप 5 में मैं देखूँ तो मेरा भाव मान्यता पर आधारित है या समझ पर, तो ज्यादा ये मान्यता पर आधारित है और उससे कम ही है अगर समझ पर आधारित कहूँ। तो कौन सी मान्यताएं मुझे दिखती हैं, कुछ मैंने नोट की है। तो एक मान्यता जो मुझे साफ साफ दिखती है कि जब भी भाव खराब होता है ना, जैसे मैं अभी क्या हो रहा है, इस प्रैक्टिस के बाद भाव खराब होने के इमीजिएटली बाद मुझे दिख जाता है कि ये सामने वाले की प्रॉब्लम नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम है ना, तो ये मेरे में ऐसा हो ही जाता है मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मुझे लगता है अगर ये मैं करती हूँ ना, तो हर व्यक्ति को ये होना चाहिए कि वो परेशान हुए हैं तो वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, हर एक को दिखना चाहिए। तो ये भी एक मान्यता हो गई कि सबकी एक्सप्लोरेशन चली जानी चाहिए, सबको ये पता लगी जाना चाहिए कि हमारा भाव के हमारे ही कारण खराब होता है ना। तो ये करके फिर मैं और परेशान हो जाती हूँ, अरे इनको पता ही नहीं चल रहा कि खुद परेशान हो रहे हैं। तो लॉजिक से फिर मैं विचारों को सेटल करती हूँ कि मेरे को कितना टाइम लगा है ना ये इस स्टेज पर आने के लिए भी, तो इनको तो अभी इन्फॉर्मेशन रूप में भी ये नहीं मिला है कि है ना, सेल्फ में ही कल्पनाशीलता है ये सारा। फिर दूसरा संस्कार जो बाहर से सुख पाने का संस्कार, कि जब भी परेशान होते हैं तो हम ये कहते हैं कि चलो कहीं बाहर चले जाते हैं, कहीं घूम लेते हैं, टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन ढूंढना, कहीं मंदिर गुरुद्वारे कोई शांति वाली जगह को ढूंढना कि मेरी स्थिति ठीक हो जाए, ऐसा कुछ करना। तो वो तीसरा संस्कार भाव पाकर सुखी होने का संस्कार, तो ये संस्कार मुझे वर्कशॉप लेते वक्त तो नहीं दिखता है, मैं ना, तो पर जब मुझे एप्रिसिएशन मिलता है बाद में तो मैं खुश तो हो जाती हूँ, हालांकि वो पर्पज नहीं होता है, पर्पज वर्कशॉप लेने का ये होता नहीं है। पर उसी तरह जब कुकिंग करती हूँ तो कुकिंग का पर्पज तो ये नहीं होता पेरेंट्स के लिए कि ये मेरी एप्रिसिएशन करेंगे, पर वो खाना खिलाने के बाद एक वेट सा तो रहता ही है। जैसे अभी कुछ दिन पहले
मेरी मम्मी ने ब्रेकफास्ट का अप्रिसिएशन नहीं किया और मैंने काफ़ी मेहनत से काफ़ी कुछ डाल के वो बनाया था, पर दोपहर को उन्होंने जब बोला कि आज खाना अच्छा है, तो मेरे को अच्छा तो लगा कि हाँ हो गया, तो अंदर ही अंदर वो वेट सा चलता रहता है ना। और जैसे एक मैंने ये नोटिस किया कि मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स ऐसे मिलते रहे कि मैं अपनी एज से बहुत छोटी लगती हूँ, तो अभी जैसे जैसे ओल्ड एज हो रही है और शरीर में जो डिग्रेडेशन हो रहा है, तो वो अभी मैं इसी वजह से शायद उसको बढ़ती हुई उम्र को स्वीकारना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ऐसा मैं देखती हूँ। और चौथा संस्कार कि मेरे विचार जिनके साथ मिलते हैं उनके साथ तो मैं बहुत सारी बातें करती हूँ, उनको तो वो तो मुझे अपने जैसे लगते हैं, पर जिनके साथ मेरे विचार नहीं मिलते तो उनको स्वीकारने में मुझे एफर्ट करना पड़ता है। फिर पांचवा संस्कार मैंने देखा कि मोह का संस्कार भी है, कुछ कुछ संबंधियों में मैं अधिमूल्यन करती हूँ और मेरी सुख की निर्भरता उन पर बनी हुई है। संस्कार छठा अगर देखूं तो मैं प्रॉब्लम से भागना, मुझे सबसे पहला मेरा थॉट ना प्रॉब्लम से भागने का ही आता है, उसके बाद मैं सोल्यूशन ओरिएंटेड में अप्रोच में जाती हूँ, बट इमीडिएट तो मुझे भागना वाला ही विचार आता है, ऐसा मैं देखती हूँ कि कंफर्ट जोन में बने रहने का भी संस्कार है। और एक संस्कार सुख के लिए भावों में बहना ना, जैसे बैठ जाऊं और कुछ स्नेह के भाव, कुछ प्रेम के भाव, इसमें मैं बहने लगती हूँ और मेरी आंखों में आंसू आना, वो खुशी के आंसू आना, तो ये प्रोसेस मुझे बहुत सुखदायक लगता है। तो इसमें अब ये ऐड हुआ है कि जब भी मैं ये करती हूँ ना, तो मेरे को क्लियर होता है, मैं ऑब्जर्वेशन में ये देखती हूँ कि ये मैं निर्णय लेके यही करने लगी हूँ अभी, तो ये उसके ऊपर ये ऐड हुआ है कि मैं मुझे ध्यान होता है बहुत बहुत बार कि ये मैं निर्णय पूर्वक कर रही हूँ ना। तो संस्कार और आठवां मैंने जो लिखा है कि ये अपने ऊपर काम करके ही सुखी होंगे ना, ये भी कोई ये नहीं है कि ये पूरी समझ ही आ गई है, तो इसमें भी ये है अभी भी एक मान्यता की तरह है, पर ये मान्यता मुझे लगता है ये तो समझ के आधार पर ही है। तो ये सारे संस्कार हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे, तो ये सब संस्कारों का दिखना हुआ है और थोड़े थोड़े कोई कोई संस्कार ढीले पड़े हैं, पर इन पर मेरा काम जारी है। और अभी मैं ये भी देखती हूँ कि ये जितना मैं संस्कारों को देखती हूँ ना, ये उनके तो काम होता है, तो ये नहीं कि ये कम हो जाता है ना कि ये संस्कार, बल्कि और खुलती जाती हैं, पढ़ते हैं तो ये काउंटिंग उतनी ही रह जाती है और दिखने लगते हैं फिर ना। तो स्टेप 6 और 7 की बात करूं तो संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व का भाव ही मुझे सह स्वीकार्य है, ये कुछ क्षण के लिए ये भाव मुझ में बना होता है तो मैं तृप्ति तृप्ति बनी होती है, इसलिए ये लगता है कि तृप्ति की निरंतरता के लिए मुझे संबंध के चिंतन, व्यवस्था के बोध और सह अस्तित्व के अनुभव की आवश्यकता है, और इसीलिए ये सारे समझने का जो काम है मैं अभ्यास जो है वो कर रही हूँ। और ये जैसे जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है, एक बैच कंप्लीट होता है, तो हर बार मुझे लगता है कि अगली बार ना मैं एक्सरसाइज 1 को और 2 को और अच्छे से करूंगी, तो हर बार ही ये विचार चलता है और हर बार कोई ना कोई कभी परिस्थिति का बहाना या कभी कुछ ऐसा तो समय चला जाता है, बट हर बार ही अभी भी लग रहा है कि 12th बैच से ना और अच्छे से सुनूंगी, तो ये भी मैंने देखा कि हर बार ऐसा होता है। अभ्यास 2 की बात करूं तो मैं हूँ शरीर भी है, ये दो अलग अलग इकाइयां हैं, ये प्रयास इसको समझने का कर रही हूँ, जब ध्यान देती हूँ तो दिखता है। तो सुविधा शरीर की आवश्यकता है मेरी नहीं, ऐसा दिखने पर समृद्धि का भाव तो मुझ में बना है और संग्रह करने का संस्कार भी काफी कम हुआ है। स्टेप 2 और 3 में देखूं तो शरीर को मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ, संवेदना को निर्णय से पढ़ती हूँ तो ध्यान देने पर दिखता है, और मैंने ये देखा कि ज्यादा समय तो मैं अपनी ही कल्पनाशीलता में गुम होती हूँ और शरीर के साथ इंटरेक्शन पर तो ध्यान ही नहीं होता। अभी अभी पिछले बैच में मैंने मॉर्निंग सेशन के ड्यूरेशन में योगा प्राणायाम में मैं करती थी, तो मैं ऐसा देखती थी कि बहुत बार तो मैं कल्पना सुन रही हूँ और कल्पनाशीलता में व्यस्त हूँ और ये सारे आसन प्राणायाम ऑटोमेटिकली से ही
हो रहे होते हैं, पर जब ध्यान देती हूँ जैसे सूर्य नमस्कार करते, भुजंगासन करते, मैं देखा कि कैसे वो जो आईब्रोज हैं वो ऊपर चले जाते हैं, स्ट्रेचिंग हुआ तो कैसे मेरे चेहरे के हाव भाव बदलते हैं, ये ध्यान देने देती थी तो फिर मैं उसको निर्णय पूर्वक ठीक कर लेती थी, नॉर्मल कर लेती थी। ये भी देखती हूँ कि सेल्फ ना समझी के कारण जो शरीर को इंस्ट्रक्शन देता रहता है उसमें मेरा निर्णय है या मुझे नहीं देता, है ना। जैसे मेरा इनटेक तो ठीक होता है पर मैं सबकॉन्शियसली स्ट्रेस में होती हूँ तो शरीर में डिसहार्मनी दिखती है, चाहे मेरी जो खाना है, जो फूड है, जो लाइफस्टाइल है वो ठीक ही चल रहा है, पर स्ट्रेस होने के कारण वो डिसहार्मनी दिखती है। पर ये स्ट्रेस के कारण जो डिसहार्मनी हो रही है, ये जो इंट्रैक्शन हो रहा है वो नहीं पता चलता। स्टेप फोर की बात करूं तो मैं संवेदना से अलग हूँ, ऐसा जैसे मैंने अभी बताया कि सेशन सुनते वक्त तो मैं पूरी कल्पनाशीलता में बिजी होती हूँ, तो इसका मतलब मैं संवेदना को ध्यान देने पर पढ़ती हूँ तो ये लॉजिक के आधार पर लगता है कि मैं संवेदना को अलग हूँ। संवेदना के चार स्रोत, किसी व्यक्ति का व्यवहार, बाहर की घटना, शरीर में जो घट रहा है और जो सेल्फ में चल रहा है, ये चारों स्रोतों की संवेदना को मैं अर्थ देती हूँ। तो अभी कुछ एक दो महीने पहले मैंने जैसे थायराइड इशू को मैं फेस कर रही हूँ, तो मैंने ट्रीटमेंट जो लेना शुरू किया आयुर्वेद का, 2-3 महीने पहले ट्रीटमेंट लेना शुरू किया डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए और थायराइड के लिए, तो मुझे इसका मेडिसिन का इफेक्ट काफी अच्छा लग रहा था, और भूख भी अच्छी लग रही थी, नींद भी अच्छी आ रही थी। पर जब मैंने 1.5 महीने बाद टेस्ट करवाया तो टेस्ट तो गड़बड़ आया, तो अब टेस्ट गड़बड़ आया है पर मैं फील ठीक कर रही हूँ। तो मैंने कहा इसको ना इग्नोर करते हैं, टेस्ट को नहीं देखते हैं, अब मैं ठीक हूँ ना तो हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी दवाई को कंटिन्यू करते हैं, ऐसा मैंने बोल तो दिया। बट मैं देखा कि 2-3 दिन के अंदर ही मेरी भूख भी खराब होने लगी है, मैं नींद भी डिस्टर्ब होने लगी, तो इससे मुझे ये साफ साफ दिखा कि ये मेरा टेस्ट की वैल्यूज देखने पर जो अंदर परेशानी चली, और बोलने में ये जो आदत है एक, ये कि मैं तो स्वभाव में जीती हूँ ना, तो ये प्रभावित ना होने का दबाव सा है जो मुझे दिखता नहीं है कि मैं प्रभावित हुई हूँ ना, तो ये भी एक दबाव सा दिखा जिससे इवैल्यूएशन ठीक नहीं होता। मुझे लगता है सब ठीक ही है, मैं ठीक ही हूँ, पर वो होता नहीं है। तो कल्पनाशीलता में डर का भाव, शरीर में दिल की धड़कन का बढ़ा हुआ पड़ना, ऐसा मैं कल्पनाशीलता का प्रभाव देखती हूँ। ठंड के कारण अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, सर्दी बढ़ रही है, तो उससे इतना परेशान नहीं होती। और जैसे अभी कुछ दिन पहले एकदम से मौसम चेंज हुआ, सिर दर्द हुआ, तो कोई मेडिसिन नहीं ली और ये ठीक हो गया। पर स्ट्रेस का जो कल्पनाशीलता में जो चलता है, स्ट्रेस का असर तो शरीर पर मुझे दिखता है ना। तो व्यक्ति से के व्यवहार से परेशान होना, उनके कहे गए शब्दों को गलत मीनिंग देना, ये भी अभी हो रहा है। और फिर इमीजिएटली प्रपोजल याद आ जाता है ट्रस्ट वाला, तो फिर उसको रिमाइंड करके फिर मैं अपना भाव ठीक करती हूँ। स्टेप 6 में देखूँ तो प्रतिक्रिया थोड़ी कम हुई है, बल्कि मेरा दिखना ज्यादा हो रहा है, कि जो प्रतिक्रिया नहीं भी दिखती थी, सबकॉन्शियसली होती थी, वह दिखती है। जबकि लास्ट शेयरिंग में मैंने कहा कि मेरी प्रतिक्रियाएं बहुत कम हुई हैं, बट कुछ कम हुई हैं, कुछ दिखती जा रही है। अभी यह जो पिछले 7-8 महीने का समय जो प्रतिकूल रहा, जब मेरे फादर इन लॉ बीमार रहे, एडमिट करवाया उनको 15-20 दिन, तो वो भी यहाँ पे नए आए हैं क्योंकि वो पहले गांव में ही रहते थे, तो उनकी भी परिस्थितियां बदली, हमारी भी परिस्थितियां बदली, तो ये सारे जो रिएक्शंस थे ना, ये मेरा पूरा टेस्ट का समय था और मैं बहुत बार फेल हो रही थी उसमें। और पर अभी अभी टाइम के साथ मैंने उसको स्वीकारा है, तो जैसे जैसे मैं परिस्थितियों को, व्यक्ति को स्वीकारती हूँ, तो मैं आराम में भी आती हूँ। और ये भी देखती हूँ कि उस टाइम भी परिस्थिति प्रतिकूल नहीं थी, मेरी कॉम्पिटेंस कम थी और मैं स्वीकार नहीं पा रही थी ना? तो स्टेप 7 में मेरा होना, शरीर का होना, शून्य के सहस्तित्व में है, मैं ऊर्जित हूँ, व्यवस्थित हूँ, भागीदार हूँ, और शून्य आधार है, तो शून्य के प्रति ग्रेटिट्यूड बनता है। और विचार में ये सब चित्रण जो मैं बैठकर बार बार करती हूँ, उसका आस्वादन करती हूँ, तो मैं सुखी होती हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है इस विचार में बैठना। पर समझ नहीं बनी है, दिखना नहीं हुआ है, इसको तो समय लगेगा। तो सुख सद्भाव है,
या प्रभाव तो सुख स्वभाव यानी मेरा भाव है, ये लॉजिकली दिखता है, पर जीने में भूल होती रहती है। तो जीने में एवरेज 30% कह सकती हूँ कि स्वभाव में जीना होता है। और कार्यक्रम ज्यादा सेल्फ को सेंटर में रख के ही है, उसमें कुछ कुछ बाहर में से संवेदना को जुटाने के लिए कार्यक्रम कभी मैं बनाती हूँ और कभी मेरे हस्बैंड बनाते हैं, तो ऐसा कुछ कुछ तो हम कार्यक्रम बनाते हैं। अनुकूल भाव जुटाने की बात करूं तो कार्यक्रम अनुकूल भाव जुटाने के लिए नहीं होता है, ऐसा मुझे लगता है, बट वो कार्यक्रम करने के बाद अगर एप्रिसिएशन मिल जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। कमिटमेंट की अगर बात करूं तो इस शरीर यात्रा में जितना भी समय है मेरे पास, उसमें मैं अपनी समझ बढ़ाने के लिए और भागीदारी में लगाऊं, ऐसे बहुत सारे विचार चलते हैं, पर जितना मेरा पोटेंशियल है उतना मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ ऐसा लगता है। और मेरी सेल्फ एक्सप्लोरेशन जर्नी में सभी मेरे सहायक मेंटर्स का, सभी आप सभी का, परिवारजनों का और पूरे अस्तित्व का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी के प्रति जी दीदी नमस्ते प्रिया जी। जी, नमस्ते दीदी। एज ऑलवेज आपकी शेयरिंग सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जितना भी हो सकता है अपने लिए एक तो बहुत ईमानदारी से बात को रखते हैं, और दूसरा आप ये पूरी बात को जितना भी हो सके बारीकी से देखते हैं। दोनों ही बातें इम्पोर्टेंट हैं हम लोगों के प्रोग्रेस के लिए। तो प्रिया जी ने बताया ही कि कब से वो जुड़ी हुई हैं, उनकी भागीदारी भी लंबे समय से है, और प्रिया जी आप बहुत ईमानदारी से अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियस ही है। समय तो हर किसी को लग सकता है, हम सभी के बहुत से संस्कार बहुत गहरे भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारा ध्यान इन पर जाता है, जैसे जैसे हमारा जो एक्सरसाइज 1 का स्टेप 1 है शुद्ध दृष्टा से देखने का, उसका अभ्यास बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा प्रोग्रेस भी और बढ़ता है। तो मैं एक दो बातों का मेरा ध्यान जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं ध्यान दिला दूं। कुछ प्रश्न इस तरह के बने थे, जैसे आदिति जी जो बात कह रहे थे कि हो सकता है अभी हम अपने अंदर जो इस प्रकार के संस्कार हैं, कोई गहरे संस्कार, उनको हम स्वीकार ना पाए हों कि हमारे अंदर ऐसा है, और हम रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। तो ये ध्यान जाए कि ये ऑब्जर्वेशन रुक गया इसलिए हम रिएक्शन में गए, और जब रिएक्शन में गए तो वहां से हम दुखी हो रहे हैं। तो यदि हमने कुछ और किया अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो संस्कार वैसे का वैसे ही बना रहेगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा। इसको थोड़ा देख लें कि समय के साथ संस्कार बदलता है, ऐसा नहीं है। हमारा ध्यान जाता है कि ये संस्कार हमारे में है, और कहीं ना कहीं हम उसको स्वीकारते हुए शुद्ध दृष्टा से देखते हैं तो ही हमें वो दिखता है, वरना अगर हम रिएक्शन में ही रहते हैं तो फिर वो दिखते हुए भी उसको हम ना पीछे हटा देते हैं, क्योंकि हम शुद्ध दृष्टा से नीचे गिर गए, अपने कल्पनाशीलता में आ गए, और वहां से फिर हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो करना क्या है? तो जब भी ऐसा हो कि हमें कोई ऐसा संस्कार दिखा जो हमें स्वीकार नहीं है, तो ये भी दिखे कि
अभी इस क्षण भले ही हम रिएक्ट कर गए, लेकिन कुछ क्षणों बाद हम फिर से उसको खोलें अपने में, और उस समय पे ये देखें कि हमारी सहज स्वीकृति क्या थी। अभी ये नहीं कह रहे हैं कि संस्कार पर जाएं, अभी तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि सहज स्वीकृति क्या है और हम उसके लाइन में कैसे आ सकते हैं, उस पर ध्यान जाए। तो यानी कि सही की तरफ ध्यान जाए तो जो सही नहीं है वो धीरे धीरे गिरने ही लगेगा। लेकिन अगर हमने ये नहीं किया और हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और में, कुछ और एक्टिविटी में लग गए, तो फिर ये अपने आप समय के साथ तो ठीक नहीं होगा। तो एक तरह से एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे ध्यान जाता है कि ये है संस्कार, और अगर ये ध्यान जाए कि हम रिएक्ट कर रहे हैं, तुरंत ही हम अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान दें। तो ये जो दुख हमको हो रहा है संस्कार से, उससे निकलने के लिए संस्कार को प्रोमिनेंट देखने की बात सिर्फ नहीं है, प्रोमिनेंट दिखा के संस्कार है तो सही क्या है उस तरफ ध्यान जाए। और जैसे जैसे हम सही की ओर बढ़ते हैं तो हमारे संस्कार ही बदलने लगते हैं। ये जो संस्कार है जो हमें स्वीकार नहीं है अभी और जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, वो धीरे धीरे गिरने लगते हैं, और जो हम सहज स्वीकृति के तहत देख पा रहे हैं उसके तहत हमारे नए संस्कार बनने लगते हैं। तो ये मुझे ध्यान जा रहा था तो मैंने कहा मैं ध्यान दिला लूं।